हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना बालकनी गार्डन। बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव तो नहीं है मेरा बालकनी गार्डन, क्योंकि रोड साइड पे है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन प्लांट्स काफ़ी अच्छे हैं और मुझे तो अच्छे लगते हैं। क्या पता आपको पसंद आएंगे या नहीं। तो ये है मेरा जेड प्लांट का कलेक्शन, और जो ये स्टैंड देख रहे हैं ये मैंने वेस्ट मटेरियल से बनवाया है, जो हमारे पास जो विंडो होती हैं उनको यूज़ करके बनाया है। छोटे छोटे मैंने बोनसाई बनाए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, एक वेस्ट कटोरी में बनाया हुआ है बोनसाई, और ये हैं, और काफ़ी अच्छे बुशी से मेरे बोनसाई हैं, और स्टेम काफ़ी थिक है। ये नीचे झुक गया है, काफ़ी भारी हो गया है। और इसके बाद है ये आर्च वाला, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इनकी कटिंग की थी और फिर से ये ओवरग्रो हो गए हैं, दोबारा से इनकी कटिंग करनी है। ये वाला देखिए, ये ट्री शेप जैसा है, बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ मैंने दो पीकॉक की टोपियारी बनाई हैं, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। पीछे कुछ रखे हैं यहाँ पे स्नेक प्लांट और जेड प्लांट, पूरा जेड प्लांट का एक कलेक्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए, डिफरेंट शेप के हैं ये। कुछ मैंने प्लांटर बनाए थे और उनके ऊपर देखिए मिट्टी कितनी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी डेकोरेटिव सामान नहीं रखती हूँ, सिंपल प्लांट्स ही रखती हूँ। और मेरे जेड प्लांट काफ़ी पुराने हैं, सारे ही मैंने कटिंग कर करके खुद से ग्रो किए हैं। कटिंग करती रहती हूँ, जो भी कटिंग निकलती है उन्हें करती रहती हूँ दोबारा से ग्रो। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा बोनसाई बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी रखे हैं कुछ प्लांट्स, तो ये छोटा सा बोनसाई बना रही हूँ मैं, पांडा फाइकस का, एलोवेरा। दूसरी साइड चलते हैं तो यहाँ पर भी हैं मेरे जेड प्लांट्स कुछ। यहाँ पे मैंने बॉटल बनाई थी हैंगिंग वाली, उसमें भी लगाए हैं। और इनके स्टेम जो हैं बहुत ज़्यादा थिक हो गए हैं, इन्हें निकाल के मैं बोनसाई की ट्रे में डालूंगी। और जो ये बॉटल्स हैं इनमें मैं कुछ और कटिंग्स लगा दूंगी। अब स्टेम देखिए इसका, कितना ब्यूटीफुल सा थिक स्टेम है। कई एक दो साल से कम ये मेरे पास इसी बॉटल में लगे हुए हैं। और यहाँ पर हैं ये मेरे कुछ प्लांट, एस्पेरेगस फर्न है उसमें ही लगा है, स्पाइडर प्लांट। और ये देखिए, ये मैंने चंपा की कटिंग लगाई थी, ग्रो हो गई हैं। तो मानसून का सीज़न है तो अभी मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा वीड्स निकली हुई हैं। ये बोनसाई बनाया हुआ है मैंने, और इसकी रूट्स देखिए अब कितनी ब्यूटीफुल हैं ये रूट्स। यहाँ पे मैंने लगाए हैं एस्पेरेगस फर्न के प्लांट, और ये मैंने डिवाइड करके लगाए हैं। मिनियन वाले प्लांटर मैंने बनाए थे उनमें मैंने लगाए हैं, दो हैं ये फ्रेंड्स। और यहाँ पे अजवाइन का प्लांट, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है, ऐसे लगता है जैसे इसके बाल उगे हैं ग्रीन कलर के, बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर यहाँ पे कुछ पेंसिल कैक्टस, कोलियस। और मेरे यहाँ बालकनी में थोड़ा कम टाइम के लिए धूप आती है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे प्लांट्स रखे हैं जिन्हें धूप की कम ज़रूरत होती है। और मैंने एक स्टेम झुकी हुई थी कोलियस की, उसे इस प्लांट में, प्लांटर में लगा दिया है। ये मैंने कुछ कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट्स हैं मेरे। और यहाँ पर भी एक अजवाइन के प्लांट की मैंने लगा दी है कटिंग। तो चलते हैं आगे, यहाँ पे है फिर से मेरे जेड प्लांट, ऐसे मैंने दो बनाए हैं, एक इस तरफ लगाया है और एक मैंने इस तरफ लगाया है। और काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं, बड़े भी काफ़ी हो गए हैं। फिर है ये चंपा का प्लांट, चंपा के जितने भी प्लांट्स हैं मैंने सभी की हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और इस वाले मेरे प्लांट की भी स्टेम बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, बोनसाई बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है मेरा ये प्लांट। और ये देखिए, मैंने चंपा की कटिंग की थी हार्ड प्रूनिंग, तो यहाँ पे एक ब्रांच को कट किया था तो यहाँ पे दो मेरे स्टेम निकलना स्टार्ट हो गई हैं। फिर है ये सिल्वर युक्का का प्लांट, इसमें भी काफ़ी सारे बेबी निकले हुए हैं। मेरे पास प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो इसलिए मैं इन्हें अलग नहीं कर रही हूँ। ये है जेट्रोपा की एक वैरायटी, और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी आ रहे हैं, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल से मेडिसिनल प्लांट होता है ये। एक और है मेरे पास सिल्वर युक्का, और इसमें भी देखिए कई बेबी निकले हुए हैं। ये एक और बोनसाई मैं बना रही हूँ, और ये जो प्लांट खुद से ही ग्रो हो जाते हैं कई बार पॉट्स में, उन्हीं को मैंने लगाए हुआ है पॉट के अंदर। फिर ये है यहाँ पे सदाबहार, जो कि कलांचू के गमले में खुद से ही निकल गया है। ये दो प्लांट कौन से हैं, इनका नाम मुझे पता नहीं है, जो मेरे घर में काम करती है लड़की उसने मुझे ला के दिए थे। ये पर्पल हार्ट जो कि लगा हुआ है बोगनविला के एक पॉट में, बोगनविला को मुझे सेपरेट करना है, अब काफ़ी बड़ा हो गया है देखिए।
और यहाँ पे धूप नहीं आती है तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि बोगनविला को फ्लावर्स के लिए धूप की ज़रूरत होती है। ये मेरे सारे कलांचू के प्लांट हैं, समर में बचा के रख रही हूँ मैं इन्हें, क्योंकि विंटर में इन्हें फ्लावरिंग करनी है, तो काफ़ी सारे कटिंग्स भी मैंने लगा ली हैं। ये पांडा फाइकस, इसको मैंने यहाँ से बांध दिया है ताकि इसके स्टेम थिक हो जाए और बोनसाई का रूप ले ले ये आने वाले टाइम में। और ये मेरा एक और प्लांट है, इसका भी मुझे नाम नहीं पता है। ये जो दो प्लांट थे वही सेम प्लांट ये भी है, अगर आपको किसी को इसका नाम पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने हैंगिंग बास्केट लटकाई हुई हैं और इनमें लगाए हुए मैंने मनी प्लांट। कुछ जो मनी प्लांट की स्टेम्स लंबी हो गई थी उन्हें मैंने इस तरीके से यहाँ पे हैंग कर दिया है, और एक में लगाया है स्पाइडर प्लांट। और कुछ प्लांट जिनको कम धूप की ज़रूरत होती है मैंने वहाँ थोड़ी सी शेड है यहाँ इसके अंदर लगा दिए हैं ताकि इन पे धूप ना पड़े, इनमें कोलियस हैं। और ये रैंथमम है, इसकी कटिंग की थी तो एक की जगह फिर दो दो स्टेम्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं इसमें। ये एक और है मेरा प्लांट कोलियस, और ये एक और चंपा का प्लांट है जिसको मैंने हार्ड प्रून किया है अभी कुछ टाइम पहले ही, अभी इसमें नए स्टेम्स निकलना स्टार्ट नहीं हुई हैं। और यहाँ से देखते हैं पेंसिल कैक्टस का बड़ा सा प्लांट, स्नेक प्लांट, फिर है अम्ब्रेला प्लांट, धूप की वजह से इसकी थोड़ी सी लीव्स बर्न हो गई हैं। मनी प्लांट, ये एक मैंने बनाया है हैंगिंग प्लांटर, लेकिन अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी वीड्स निकल गई हैं, ये वीड्स बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं तो मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है। फिर है यहाँ पे एक कटिंग सॉन्ग ऑफ इंडिया की पेंसिल कैक्टस, फिर से और जेट्रोपा का बहुत बड़ा सा प्लांट जिसमें फ्लावरिंग हो रही है ये देखिए, और बहुत ब्यूटीफुल लगता है और काफ़ी बड़ा भी हो जाता है, अब ज़मीन पे लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। चंपा का प्लांट नाग चंपा, कुछ टाइम पहले ही मैंने हार्ड प्रून किया था इसको, फिर दोबारा से करना पड़ा मुझे हार्ड प्रून क्योंकि बहुत लंबा होता जा रहा था। और यहाँ पे मैंने लगाई हैं कुछ चंपा की कटिंग्स, जो मैंने कट किया था उन्हीं को लगा दिया है और सभी ग्रो हो गई हैं। यहाँ पे एक और कटिंग लगाई थी और इधर लगाई मैंने रोज़ की और क्रोटन की कटिंग, तो देखिए कितनी ग्रो होती हैं। यहाँ पे है ड्वार्फ वाला स्नेक प्लांट, एक पीस लिली निकला हुआ है, और यहाँ पे लगाया है मैंने पेडिलेंथस वेरीगेटेड वाला, और ये है आइसलैंड फाइकस। तो फ्रेंड्स यही था मेरा गार्डन ओवरव्यू, कैसा लगा आपको आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं आप आगे भी मेरे चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं।